हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स के चैप्टर में हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, उसी से रिलेटेड आज फिर से हम इस वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो हमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स या सिंपल सी बोलें तो ट्रांसपोज का हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए इक्वल -2, 4, 5, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ पे, एक मैट्रिक्स हमारा बी है जिसके जो मेंबर हैं वो हैं 1, 3, -6। वेरीफाई करेंगे हम इन्हें, क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई करना है, ए बी ट्रांसपोज इक्वल ट्रांसपोज ऑफ बी एंड ट्रांसपोज ऑफ ए, है ना। तो देखते हैं सबसे पहला कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, है ना, एक मैट्रिक्स ए हमारे पास में दिया हुआ है, है ना, क्या है, -2, 4, 5, ये मैट्रिक्स हमारे पास है। एक मैट्रिक्स क्या है, बी है, इसके एलिमेंट क्या है हमारे, 1, 3, -6, ठीक है। ए बी ट्रांसपोज फाइंड करना है तो पहले हम ए बी फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करेंगे, पहले हम ए बी, तो ए बी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, ए और बी का मल्टीप्लाई हमें करना होगा। तो देखिए हम यहाँ पे ए और बी का मल्टीप्लाई फाइंड करते हैं, ए बी कितना हो गया है, -2, 4, 5, और मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, 1, 3, -6 के साथ। तो आप देखेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई हमें क्या करना है, 1 के साथ करना है, 2 का मल्टीप्लाई होगा -2, 4 का 1 में होगा तो 4, 5 का 1 में होगा तो 5, फिर -2 का 3 में, 4 का 3 में और 5 का 3 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा, -6, 12, 15, ठीक है। -2 का -6 में करेंगे, -4 का -6 में और 5 का 6 में करें तो क्या आ रहा है, देखेंगे क्या देख रहे हैं, 12 आ रहा है, -24 होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -30, क्लियर हुआ। अब हम बात कर रहे हैं ए बी ट्रांसपोज के, मतलब कि ट्रांसपोज ऑफ ए बी की बात कर रहे हैं। अब ए बी की वैल्यू क्या है हमारी, देखें -2, -6, 12, 4, 12, -24, 5, 15 और -30 दिया हुआ है। इसकी बात करें हम किसकी, ट्रांसपोज ऑफ ए बी, है ना, तो क्या हो जाएगा, जो रो है वो कॉलम और जो कॉलम है वो रो हो जाएगा, कल वाले वीडियो में हमने यही देखा था। तो देखेंगे -2, 4, 5, -6, 12, 15, 12, -24, -30, जो कॉलम है वो रो में कन्वर्ट हो गया और जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है ना। तो यही हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है जिसे हमने कल बहुत बेहतर तरीके से सीख चुके हैं। अब देखें कि क्वेश्चन में कहा गया है कि ट्रांसपोज ऑफ बी एंड ट्रांसपोज ऑफ ए दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास तो अभी केवल ए की वैल्यू है, क्या दिया हुआ है, ए की वैल्यू आप देखेंगे तो ए इक्वल कितना है, देखिए ध्यान से क्या दिया है, ए का वैल्यू हमारे पास -2, 4, 5 है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ ए की तो क्या हो जाएगा, ये सॉरी क्या हो जाएगा, -2, 4, 5 हो गया, है ना, -2, 5 हो जाएगा, 2, 4, 5, ठीक है। अब हम जब बी की बात कर रहे हैं तो b का जो वैल्यू है हमारे पास, जो b वाला जो मैट्रिक्स है 1, 3, -6 यहाँ पे दिया हुआ है,
लेकिन जब हम ट्रांसपोज ऑफ बी की यदि हम बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1 3 -6 है यहाँ पे, ये जो है रो है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉलम हो गया। आधा समझ गए। अब कहा गया कि बी डैश और ए डैश का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे बी डैश और ए डैश मतलब कि ट्रांसपोज ऑफ बी एंड ट्रांसपोज ऑफ ए का मल्टीप्लाई करना है। तो ट्रांसपोज ऑफ बी की वैल्यू 1 3 -6 है और ए की वैल्यू जो है हमारी, ट्रांसपोज ऑफ ए की वैल्यू -2 4 5 दिया हुआ है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का तो क्या होगा, देखें आगे। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -2 4 5 -6 12 15 ये हो जाएगा आपका 12 -24 और -30। आपको मल्टीप्लाई करना पहले ही बता चुके हैं। ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। तो यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो चुका है, ठीक है। तो आप देखें कि दोनों जो है वो सेम है, तो हम क्या कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 से, क्या कहा कि ट्रांसपोज ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी एंड मल्टीप्लाई बाय ट्रांसपोज ऑफ ए। ये जो है ये दोनों, सॉरी, ये दोनों जो है सेम है। तो इस तरीके से हम इस तरीके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम एक और क्वेश्चन देख रहे हैं। इफ ए इक्वल, क्या दिया हुआ है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये है कॉस अल्फा, है ना। हमें प्रूव करना है, प्रूव करेंगे क्या कि जो ए डैश है हमारा इंटू ए है वो एक आई का मतलब यूनिट मैट्रिक्स होता है ना। अभी हम देख चुके हैं कि हमारे पास में एक मैट्रिक्स दिया है ए, तो हम उसका ए डैश फाइंड करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड करते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ ए की जब हम बात कर रहे हैं तो ये जो रो है हमारी, ये जो रो हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो रो है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा और ये हमारा हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, ये साइन अल्फा और ये उधर हो जाएगा कॉस अल्फा। रो जो है कॉलम बन चुका है और जो कॉलम है वो रो बन चुका है ना। फिर क्या कहा कि ए डैश और ए का मल्टीप्लाई करना है ना। ए डैश और ए का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए डैश क्या है हमारा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और इधर क्या आ जाएगा, साइन अल्फा और ये हो जाएगा हमारा कॉस अल्फा। ए की वैल्यू क्या है, ए वाला जो मैट्रिक्स हमने गिवन है हमारे पास में, क्या दिया है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा, ये यहाँ पे हो गया, है ना। अब यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई करने के लिए हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे होगा, यहाँ पे इसका, फिर इसका, इसके साथ आगे बढ़ो नीचे वाला बढ़ो उतरो वाला जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा था, है ना। तो ए डैश ए की हम बात कर रहे हैं, चलिए कॉस का, कॉस में होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वेयर अल्फा, है ना, प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा और साइन स्क्वेयर अल्फा, साइन मतलब साइन अल्फा साइन अल्फा, साइन स्क्वेयर अल्फा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वेयर अल्फा, ठीक है। अब इन दोनों का, इन दोनों के साथ हो गया, अब इन दोनों का, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, तो कॉस का साइन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, है ना। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, तो साइन का कॉस के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब इन दोनों का, इन दोनों जो इस वाली जो रो है इस रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वेयर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर अल्फा, सिंपल सा। क्लियर
क्लियर हो गया यहाँ तक? बस यही हम यहाँ पे उसको आगे प्रूव कर सकते हैं देखिए से। ए डैश ए इक्वल क्या होगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होती है? 1 हो गई। ये दोनों सेम है तो कैंसिल होके क्या हो जाएंगे? 0 हो गए। ये दोनों कैंसिल होके क्या हो जाएंगे? 0। और ये दोनों साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो आप देखेंगे कि ए डैश ए इक्वल क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।